हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई में दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों कैसे दोस्तों आप भी अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल में डेट और टाइम को सेटअप कर सकते हो। दोस्तों अपने फ़ोन में डेट और टाइम को सेटअप करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, आज की दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाना है दोस्तों। आप डेट और टाइम को कैसे सेटअप कर सकते हो, या आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कैसे कर सकते हो। आपको सबसे पहले दोस्तों जाना है सिस्टम सेटिंग में। तो दोस्तों सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। और सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। तो आपको डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सेट डेट और सेट टाइम। तो यहाँ पर आपको डेट पर क्लिक करना है पहले, और यहाँ पर आप डेट वगैरह सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ 17 अप्रैल पे मंडे, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों टाइम पे भी क्लिक कर लेते हैं, और टाइम दोस्तों यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ 2 PM। इस तरह के दोस्तों यहाँ पे मैं 2 PM पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 PM। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा टाइम है हमारा 2 PM में सेट हो जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं अपने इसी को लॉक कर देता हूँ, तो लॉक। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो टाइम जो यहाँ पे शो हो रहा है 2 PM, और यहाँ पे मंडे 17 अप्रैल डेट यहाँ पे शो कर रही है फ़ोन में। तो दोस्तों इस तरीके से डेट और टाइम को आप सेटअप कर सकते हो। अब दोस्तों आपको वापस से डेट एंड टाइम सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो टाइम जोन है, सिलेक्ट टाइम जोन। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने टाइम जोन को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके। अगर आप टाइम जोन यूज़ करना चाहते हो, लगाना चाहते हो अपने फ़ोन में, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको ऑन कर देते हो ऑटोमेटिक टाइम जोन सेटिंग को, तो दोस्तों आप अपने टाइम जोन को सिलेक्ट नहीं कर सकते अपने इन्फिनिक्स के फ़ोन में। और दोस्तों ऐसे यहाँ पर भी यूज नेटवर्क प्रोवाइड टाइम पर अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका जो ये यूज नेटवर्क प्रोवाइड टाइम है इस पर क्लिक करोगे, आपका डेट और दोस्तों जो आपके फ़ोन की डेट और टाइम है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी करेक्ट टाइम और करेक्ट डेट पे। दोस्तों इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यूज़ 24 आवर फॉर्मेट को आप कैसे यूज़ करोगे। दोस्तों जो आपका टाइम यहाँ पे 2 PM शो कर रहा है, अगर यहाँ से आप इसको ऑन करते हो तो टाइम आपका 2 PM शो नहीं करेगा, वो 14 शो करेगा। देख सकते हो जैसे मैंने इसको ऑन करा, दोस्तों आप सकते हो टाइम जो कि 2 PM शो नहीं करेगा, वो 14 शो करेगा इस तरीके से। दोस्तों यूज़ 24 आवर को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब दोस्तों जो 12 बजे के बाद 12 o'clock के बाद आपके फ़ोन में जो 1 PM शो करता है, वो 1 PM शो नहीं करेगा, 2 PM शो नहीं करेगा, वो 13 और 14 शो करेगा। दोस्तों इस तरीके से आप यूज़ 24 आवर को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से इसको ऑफ करोगे तो आपका जो फ़ोन की डेट है और टाइम है यहाँ पर 2 PM में शो करेगा। और दोस्तों यहाँ से आप इसको ऑन कर ले, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको ऑन करो दोस्तों, जो भी आपका करेक्ट टाइम हो रहा होगा अभी और जो भी डेट है, जैसे दोस्तों देख सकते हो 11:29 AM और संडे 16 अप्रैल आज डेट है, टाइम यही चल रहा है अभी, तो वापस से मेरे फ़ोन में सेट हो गया ऑटोमेटिकली। दोस्तों इस तरीके से आप ऑटोमेटिक टाइम और डेट को सेट कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप इनको देख सकते हो, मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता, पहले मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा इनको चेंज करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।